दोस्तों, यदि आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक ना, अगर उस टॉपिक पर आप वीडियो बना लिए तो गारंटी है कि आज आपका चैनल मोनेटाइज होगा। दोस्तों हम लोग करते हैं क्या है कि जिसको जानते हैं पहचानते हैं, जो फेमस है उसी का वीडियो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा सब देखिए, अभी हम लोग जैसे पढ़ाने के लिए कहीं जाते हैं बच्चे सबको, बहुत कुछ बच्चों से सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। यदि हम मानते हैं कि आप हमको नहीं जानते, ठीक ना, आप हमसे अनजान है, ठीक है, फिर भी आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। यदि आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपके चैनल पर आज से 5 मिलियन से कम व्यूज नहीं आएगा। बस ठीक है, आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है गदर टॉपिक, ठीक है। गदर फिल्म जो अभी हाल ही में 11 तारीख को रिलीज हुआ है, 11 अगस्त को रिलीज हुआ है, ठीक है, उस पर अभी लाखों की संख्या में, मिलियन में भी व्यूज आ रहे हैं, ठीक ना। यदि आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो गारंटी का अभी मिलियन में, अभी एक लड़का था, उसका चैनल के नाम हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक ना, तो उसके वीडियो पर सिर्फ एक वीडियो से 5 मिलियन व्यूज आया है उसके चैनल पे। मात्र उसको सब्सक्राइबर है कितना आप जानते हैं, 700 करीब सब्सक्राइबर्स हैं उसको, 700 कुछ और सब्सक्राइबर है, ठीक है। 5 मिलियन एक वीडियो पे व्यूज आया है, पता है क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिस पर ट्रेंडिंग वीडियो चलते हैं उस पर वीडियो बनाते नहीं है, ठीक है। जब वो कुछ बीत जाते हैं, कई महीनों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद इस तरह से वीडियो बनाते हैं, ठीक ना, तो हमारे चैनल पर कभी भी व्यूज नहीं आएगा। यदि आपको चाहिए कि अगर व्यूज लाना है, अगर आज मोनेटाइज करना है, तो इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो उससे संबंधित वीडियो बनाइए, काफी मस्त उस पर व्यूज आ रहा है अभी के समय में। जैसे कि उसका गदर 2 में देखिएगा कि पाकिस्तान का जो है जनरल, उन्होंने एक डायलॉग कहा कि बहुत जुल्म कर दिया हमारे मुसलमान भाइयों पर हिंदुस्तान में, ठीक ना, हम उसे आज़ादी दिलाएंगे। इसका बहुत सुंदर उसका जवाब दिया, जब उन्होंने कहा हम उसको आज़ादी दिलाएंगे हिंदुस्तान में अपने मुसलमान भाइयों को, तो उन्होंने, सनी देओल ने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसको आप आज़ादी दिलाइएगा, ठीक है, किसको आप आज़ादी दिलाइएगा, ये हिंदुस्तान मुसलमानों का है, ये हिंदुस्तान क्रिश्चनों का है, और ये हिंदुस्तान उन सभी हिंदुओं का है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस बात को सुनकर, और उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में इन सभी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो गाइस इस बात को लेकर काफ़ी मस्त लगा, ठीक ना, उनका एक एक पॉइंट से एक एक चीज़ उनका बहुत अच्छा लगा गाइस, ठीक ना। तो काफ़ी मस्त लगा उसका वीडियो। इसी टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाइए मिलियन में, कि आप 10 मिलियन अगर एक अभी के समय में अगर आप वीडियो डाल देते हैं तो 10 मिलियन व्यूज अगर आपके चैनल पर आएंगे, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग समय बर्बाद करते हैं आलतू फालतू चीज़ देखकर, उसमें लगे रहते हैं, लेकिन 1 रुपया कैसे आएंगे इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमेशा प्ले गेम खेलते हैं, हमेशा क्या कहते हैं क्रिकेट देखते रहते हैं, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज के समय में यह है कि अगर आप जो कुछ भी करते हैं यूट्यूब पर उसको डालिए, अपने कला को लोगों को तक दिखाइए, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, मिलियन में व्यूज आएगा। पता है कि अगर एक वीडियो पर आप 5 मिलियन देखे होंगे व्यूज गया है, 5 मिलियन व्यूज एक वीडियो से गया, सोचिए उनका इनकम जो है करीब कितना होगा। कर ये हमको लगता है कि 10 लाख रुपया अगर 1 मिलियन एक वीडियो से आए होंगे, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ट्रेंडिंग से संबंधित वीडियो बनाइए, ट्रेंडिंग टॉपिक से आपके चैनल पर लाखों की संख्या में व्यू जाएंगे, ठीक ना। तो गाइज आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब रात्रि भी काफ़ी हो चुकी है। देखिए अभी 8:54 हो रहे हैं, करीब 9 बजने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।